अब दूसरी साइड जो है वो करना स्टार्ट कर दी है, उधर और हम भी दूसरी साइड पे ना बोल रहा है, कह रहा है कि अम्मा के माशाल्लाह इनकी लंबी उम्र है, अभी मैंने याद की आ गई है जो है ना अमरूद वाले खड़े होते हैं और इधर भी खड़े हैं काफी, तो मैंने ना यहाँ से लिए हैं जी अमरूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैर से होंगे, लक्ष्य कर हम भी खैर से हैं, और हमारी दुआ हम देखें जहाँ भी रहें खुश रहें, बाद में मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक हूँ अल्लाह के बंदे, हम भी ठीक हैं। अभी जो है ना नाश्ता वगैरह बना रहे हैं हम, आप देख सकते हैं यहाँ पे है जी आटे, वो चावल वाली रोटी वो टूट गई है क्योंकि तवा जब ज़्यादा गर्म नहीं होता ना फुल, और फिर तवे के ऊपर हल्का सा घी नहीं लगा हुआ होता, फिर ऐसे होता है। तो पहले रोटियां हमारे हमने दूसरी पकाई थी गंदम वाली, उसके बाद फिर जो है ना इसको रोटी ये रोटी रोटी बनाई है, इसलिए ये ना टूट गई है थोड़ी सी, तो बार बार ऐसे हो भी जाता है क्योंकि चावल की जो रोटी है वो भुरभुरी सी होती है, वो जल्दी टूट जाती है। तो यहाँ पे अरहम आया हुआ है यार, केचप क्यों खा रहे हो आप सुबह सुबह? गिलास के अंदर क्यों डालोगे आप केचप? रखो तो फिर खा लेना चाहो। गिलास के अंदर क्यों डाल रहे हो केचप? चलो डालना, फिर वो जाया करना जरूरी है केचप। हाँ इसके साथ ना बहस करना वैसे भी फजूल है अरहम के साथ, ये फिर बहुत ज्यादा बातें करता है, पूछता रहता है पूछता रहता है पूछता रहता है, फिर जो है ना बंदा अगला जवाब देने वाला भी थक जाता है। अब इसको एक बार समझाइए कि केचप ना जाया करो, अब ये उल्टे जवाब देता है। सुबह जो है हो रही है जी बारिश, सर्दियों की सबसे पहली बारिश, अभी आपको दिखवाते हैं बाहर चलकर। वैसे मैं नाश्ता करने वाला था लेकिन जो है ना मैंने कहा आपको सबसे पहले दिखवा देता हूँ मौसम, ये चेक करें यहाँ पे बारिश हुई है जी, सर्दियों की ज़बरदस्त और प्यारी सी बारिश अभी भी हो रही है। जब यहाँ बाहर आते हैं ना मुंह पे फुहार आती है, बारीक बारीक सी, बिल्कुल बारीक बारीक सी फुहार, तो यही जो फुहार है ना वो ज़मीन पर पड़ रही है और बारिश जो है वो बन रही है। नीचे देखें ना पानी वगैरह सारा गिरा हुआ है। शाम के टाइम को बादल वगैरह नहीं होते, सुबह जब होती है तो फौरन बादल नज़र आ जाते हैं, बारिश वगैरह हो रही होती है। देखें ये देखिए अब आ गया है बेचारा, बेचारा तो नहीं है मनहूस है ये, और ये देखें आसमान की जो लुक है आज, पता नहीं धूप निकलती भी है या नहीं निकलती, कोई मालूमात नहीं है धूप की। तो जी मेरे सोने सोने से प्यारे प्यारे सोने से मनमोने से प्यारे बेरा, वो मुझे आ गई थी नींद, मैं सो गया था, तो अब हमारी अम्मी जान भी आई हुई है, वो खा रही है इधर बैठ के जो है वो रोटी, उनके नाश्ता जो है ना वो हमारे घर में आ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। साग कम दी बैठी? वाह भाई वाह माशाल्लाह जी, आज जो ये खा रही है जी साग, और मैंने इनको कहा था गर्म हो जाएगी रोटी ये ना काली हो जाएगी, कहती कुछ नहीं होता मुझे गर्म कर दो। किधर? इस चूल्हे के ऊपर। वो उसके वो है ना वो जो राड लगे हुए है ना। हाँ। वो राड काले हो जाते हैं ना धुएं से, गैस भी अंदर से वो काला आता है। चलो आग होगी तो फिर काला ही होगा ना। अब देश की कमाल देखो क्या होगा। हाँ, वो रात को आपने उधर चढ़ाई हुई थी उसको, सुबह धोई है मैंने उसको, ये लकड़ियों पे चढ़ाती है फिर कहती है मैंने उधर गैस खराब है जी, गैस भी खराब होती है कभी, बस वो बर्नर वगैरह जो है ना चूल्हे का वो हमारा खराब हुआ हुआ है तो वो जो है ना धुआं मारता है, तो जिसकी वजह से वो जो चूल्हा टिकाने वाला और देगची टिकाने वाला जो राड होते हैं ना वो भी काले हो गए हैं और देगचियाँ भी काला करना शुरू कर देता है। तो ये फिर राड के ऊपर रोटी रख के इन्होंने गर्म की है तो वो रोटी भी काली हो गई, उसको कालक लग गई है। अभी बरकरार है जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लुक है जी आसमान की, अभी 11 का टाइम होने वाला है, अभी आपको टाइम भी दिखाते हैं हम, ये जी टाइम चेक करें जी, ये 10:50 हो चुके हैं और जो न्यूयॉर्क का टाइम है वो 12:51, मतलब न्यूयॉर्क में अभी 1 हो रहा है और हमारे पास 11 हो रहे हैं जी, 2 घंटे का फ़र्क है। तो अभी भी देखें आसमान के ऊपर वही सूरत हाल है, हल्के हल्के ब्रीक ब्रीक से जो है ना वो दाने गिर रहे हैं पानी के कतरे, तो मुझे नींद आ गई थी, मेरा मुंह भी सूजा हुआ है, समीर ने आके उठाया, रोटी खा के मैं सो गया था, बस लेटा था
क्योंकि सर्दी है ना, फिर बाहर घूमने का मजा ही नहीं आता, और सर्दी की ऐसे छुपा हुआ था, फिर अचानक नींद आ गई मुझे, फिर इसने आके उठाया, क्योंकि हमने जाना है उधर दाम करवाने के लिए समीना को, और शाह साहब हैं उधर, तकरीबन कोई दूसरा महीना है हम दाम करवा रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखाते नहीं हैं। तो आज हम दोबारा जाएंगे, हर संडे को जब हम जाते हैं, जब नया चांद नज़र आता है ना, तो नए चांद में हम जो हो जाते हैं हर संडे को, मतलब जो लास्ट 15 के बाद लास्ट दो संडे होते हैं वो नहीं जाते, जो फर्स्ट संडे होते हैं दो वो हम संडे जाते हैं, और फिर दम करवा के आते हैं, क्योंकि इसको वो हो गया था ना, असरात वगैरह थे ना, जिसकी वजह से हम वो या उसका हम मुकम्मल इलाज करवा रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह भी कुछ है ना आपको पता, रिकवर भी है समीना काफ़ी ठीक है पहले से। ये देखें जी, ये जो है ना पठान है, पठान जो है ना वो PTI को वोट देते हैं, लेकिन ये पता नहीं कौन सा पठान है कि इसने ना शेर के झंडे लगाए हुए हैं जी। तो मैं ये देख रहा था, मैंने कहा ये तो पठान जो होते हैं ना वो तो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन ये जो है ना क्यों पता नहीं इसने नवाज शरीफ के जो है झंडे लगाया हुआ है इसने। पठान चित्ते होते हैं। ये जो है ना कौन सा पता नहीं पठान है कि अपने ही पठान को उसने छोड़ दिया, और नून लीग की जो है ना वो जिसने झंडे लगाए हुए हैं। चलें, हर किसी का अपना नज़रिया है जी। मैं जा रहा हूँ जी अबू वालों के घर, काम है मुझे, फिर वापस आते हैं जी। पहुँच चुके हैं, ये देखें बहुत ही प्यारा यहाँ पे माहौल है अबू वालों के घर का, देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, गाँव का सिस्टम ऐसा ही होता है। अभी जी मैं आ गया हूँ, और अभी सर्दी भी बहुत है, आज पता लगेगा मोटरसाइकिल पे कैसे जाते हैं, और टांगे वगैरह भी ठर जाएंगी। मैंने तो अंदर से कोई वो नहीं पहना हुआ ट्राउज़र वगैरह, और मैंने अंदर जो जैकेट पहनी हुई है बस, और अंदर बनियान वगैरह भी नहीं पहनी हुई, इसने तो अपना इंतजाम कर लिया है जी। अंदर से ट्राउज़र वगैरह भी इसने पहन लिया, जुराबें वगैरह भी पहन ली, मैंने जुराबें वगैरह बिल्कुल ही नहीं पहनी हुई। ये बूट हालांकि हैं बड़े गर्म गर्म यार, ज़बरदस्त है। चलो फिर ये खा रही है जी तिल, ये देखें जो पिछली बार मैं लेके आया था ना, चीनी है इसके अंदर, थोड़ी डालो ना, थोड़ी है इसमें, इतना ज़्यादा डाल दिया आपने, वो इतना बड़ा सारा कखड़ा जो है ना चला गया इसके अंदर। ये तिल होते हैं जी, आपको पता होता है, पता है होगा जो तिल छकरी के अंदर होते हैं ना ये, वो तो इससे जो है ना वो हाथ में आ गए सर, ये बहुत गर्म होते हैं, ये आपका हाजमा भी ठीक करते हैं, और जो सर्दियों में बहुत शौक से खाए जाते हैं, और सर्दी को भी भगाते हैं। बहुत मजे वाले होते हैं, ये कहते हैं कवा, परिंदों को सर्दी नहीं लगती मेरे ख्याल में है ना, परिंदों को लगती है सर्दी, लगती होगी, क्यों नहीं लगती, उड़ तो रहे होते हैं हवा में, लगती होगी। चलो उतारो इसको, मैं साफ करूँ थोड़ा सा इसको, सफाई करके ना आज चलते हैं इसकी, इसके मिट्टी वगैरह लगी हुई है सारी, चले। अभी जी हमेशा की तरह मैं घर वापस जा रहा था, और रास्ते में आपको पता है यहाँ पे जो है ना अमरूद वाले खड़े होते हैं, और इधर भी खड़े हैं काफ़ी, तो मैंने ना यहाँ से लिए हैं जी अमरूद, यहाँ पे जो है ना बहुत मीठे होते हैं यार। ये कहाँ से तोड़ के लाते हैं भाई? भाई स्तासी बैंक से। अच्छा, तो यहाँ पे वैसे भी ना यहाँ पे भी है ना बाग अमरूद वाला, और इधर भी है ना, इधर है ना, यहाँ पे नहीं लगते क्या? छोटा बाग है यहाँ पे, मतलब इतना दाना अच्छा नहीं होता वहाँ पे। अच्छा अच्छा, मतलब ये जहाँ से लेके आते हैं आप, यहाँ बड़े बड़े बाग हैं, मतलब मीठे होते हैं, अच्छे होते हैं। अच्छा अच्छा, ये कह रहा हूँ। हाँ तो फिर ये बहुत मीठा होता है, ये कोई इसकी क्वालिटी है कोई, मतलब कोई जिस तरह होता है ना कि नस्ल होती है वैसी है, या ये सेम होते हैं सारे? नस्लें होती हैं। अच्छा अच्छा, मतलब कलम होती है इनकी। सही सही, माशाल्लाह जी। हमने लिए हैं जी 1 किलो लिया है ये 150 रुपये का, हाँ जी, लेकिन देखा जाए तो बहुत ही मीठे होते हैं, और मजा आता है यकीन करें, ऐसा लगता है गरी खा रहा हो बंदा, है ना भैया? हाँ जी, बहुत चलो आप खाएंगे, बहुत याद करेंगे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपका भी शुक्रिया भाई। हाँ जी, बहुत शुक्रिया भैया, खुश रहें आप हमेशा, अल्लाह आपको खुश रखे। अभी चलते हैं जी हम वापस घर।
हम शहर से लेके आए थे अमरूद, आपको दिखा था, अभी जो है ना वो लगे हैं हम खाने। अगर आप सबने भी खाना है तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। जो है ना ये बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी सा नमक है, काला, काला ये देखिए, ये ब्लैक नमक, ये बहुत ही जबरदस्त सा नमक होता है। अच्छा है ना? हाँ जी, आपने खाना है? नहीं। ये नहीं खाती है ना, इसने नहीं खाना, समीना ने। अच्छा उसके लिए भी दे दो, ये उठा के दे दो उनको ना, जो लोग सादे को दे देना। चलो वो तो पांच छह हैं, फिर ये पांच छह सारे अमरूद हैं हमारे पास। बारिश होने की वजह से माशाल्लाह सब्जी का जो तोड़ है वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर जब शाम होती है ना, फिर रात होती है, फिर बादल आ जाते हैं, फिर धुंध शुरू हो जाती है। ये क्या सीन है, ये क्या सीन है? इतना सर्दी नहीं है, मतलब जिस तरह पहले होती थी ना फुल बर्फ की तरह हवा लगती थी, लेकिन वो वैसे नहीं है, मतलब इतना ज्यादा जिस तरह होती है ना ठंडी सर्दी जिसमें जज्ब होने वाली, वैसी नहीं है। मतलब काफी सही है, इतना फुल ठंडा मौसम नहीं है। हाँ, जब बारिश हो जाती है ना फिर सर्दी का तोड़ खत्म हो जाता है और फिर मौसम ठीक हो जाता है। अब देखिए ना, यहाँ पे सूरज जो है निकलने वाला है, अभी 1:30 बजे का टाइम होने वाला है, लेकिन अभी जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि सूरज जो है निकलेगा कहीं ना कहीं से, इधर से या इधर से, कहीं ना कहीं से निकलेगा सूरज। हाँ इंशाल्लाह। क्या हुआ? मैंने कहा देख लूँ है भी सही से नहीं। हाँ मुझे वो रंग दो, फिर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वो जगह बची हुई है, ये दीवार बची हुई है, मैं कर लेता हूँ। हाँ हाँ, स्टूल वगैरह निकाले वो बाहर, या छोटा स्टूल रख लो ऊपर से, फिर जाके करना छत पे, वहां पे चढ़ के, वो उधर स्पीर है ना, फिर वो पर्दा होता है उधर से, नहीं होता वो उनकी छत पे है सामने। चलो फिर, चलो ये तो कर लूं मैं, ये वाली साइड, ये दीवार। हाँ फिर उठाते हैं, चार पे उठा लेते हैं, उठा के यहाँ पे रखेंगे चार पे, फिर चार पे के ऊपर खड़ा होकर मैं कर लूंगा, ठीक है? हाँ, और वैसे भी ये घर वाले जो है ना वो नहीं है घर में, है ना, देख के आओ घर है या नहीं है। अभी सारा किचन का सामान फेंक के ये उठा गया, अब हो जाएगा इस पे। कमरे हमारे अभी ठहर गए, कमरों का पता नहीं कब स्टार्ट होगा। सर्दियां हैं इतनी, कहां बहुत है अभी, अभी नहीं चलो होगा। चलो इसको पीछे कर लो, उसके बाद खत्म हो जाएगी ना, फिर मैं इंशाल्लाह लग जाऊंगा और बहुत प्यारा प्यारा घर बना दूंगा आपको। पेंट अभी बनाना है मेरे ख्याल में, है ना? वो बनना नहीं पड़ा बाल्टी के अंदर। अच्छा। बाल्टी किधर गई? ये पड़ी हुई इधर, और हम उधर साथ वालों के बच्चों के साथ खेल रहा है सुबह से, अभी तक भी नहीं आया, तो जब ये जाता है तो आता नहीं है, वरना कभी कहे ना जाओ खेल आओ तो फिर जाता ही नहीं है, शौक से नहीं खेलता इतना। क्या? तो आज मैंने कहा सुबह से गया हुआ है, आने का नाम ही नहीं है अरहम का। तो वरना वैसे कहीं नहीं जाता वो। हाँ तो आज चले, मैंने कहा उनके साथ खेला, वरना ये कहते अम्मा वालों के घर जाऊँ बच्चों के साथ खेलूँ। वहाँ पे जाकर बच्चों के साथ खेलने के लिए ही जाता है ना, वहाँ पे भी वो कहता वहाँ पे जाऊँगा बच्चों के साथ खेलूंगा वहाँ पे भी बस। रंग भी सर्दी की वजह से ना जम गया है बिल्कुल। नहीं जमा नहीं है, पानी इसका सूख गया है। आराम से गिराओ पहले तो, नीचे दाग इतने हैं नीचे। अम्मा सुबह सुबह आई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, कल दवाई लेने गए थे तो सुबह सुबह आई। वो घंटी वो पड़ी हुई है, वो कुकर वाली घंटी। हाँ तो बेचारी कहती कोई बात नहीं, मैं आज काम कर रही थी, झाड़ू बेचारी ना वो दे के गई है झाड़ू वगैरह ना, वरना मैं खुद करती हूँ। सुबह सुबह आ जाती है, कहती कोई काम हो तो मैं कर दूँ। मैंने कहा नहीं आप ना वैसे आ जाया करें, लेकिन वो फिर ऐसी जिद करती है ना, खुद ही उठा के करना शुरू कर देती है। तो अभी भी वो घर नहीं गई होंगी, घूम फिर रही होंगी। वो कहती है आप लोग तो ऐसा बीमारों की तरह घर पड़े रहते हो, घूमते फिरते नहीं हो, ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं उठाते। तो मैंने कहा हाँ इतनी ठंड होती है बंदा कहाँ जाए। वो माशाल्लाह काफ़ी दूर दूर ऐसी घूमती फिरती रहती है, बैठती नहीं है। कहती मैं बैठ जाऊँ तो मुझे ना बीमारियाँ लग जाएंगी इस वजह से। वैसे सही कहती है, चलते फिरते इंसान सही रहता है, तो जिसामत भी सही रहती है। घर में इंसान फजूल बैठा रहे तो फिर खा पी के वही बीमारियाँ लगती हैं। अम्मा के माशाल्लाह
इनकी लंबी उम्र है, अभी मैंने याद की आ गई है। ये क्यों उठा के लेके आई हो, क्यों चाई? हाँ ये कह रही है कि सर्दी उतारेंगे। अच्छा चावा थक पुम से चावा, ये बेचारी खुद ही उठा के लेंगे। ये कहती है मुझे ना 24 घंटे ना लकड़ियों वाली आग चला के दो, मैं बैठू। इधी इधी रख रही थी, चले सट दे। हाँ ये खुद ही सफाई करती है, खुद ही आके ना अब लकड़ियों का इतना गंदा। हाँ सर्दी कहते उतारेंगे। आज अम्मा क्या पकाऊं? देरी शायद दल कर रहे। आज ना हमारा दिल कर रहा है आलू बनाए छोरे वाले। आलू बनाए छोरे वाले। हाँ सर्दी में ना दिल करता है। आज अम्मा को मैंने चावलों की रोटी बना के देनी। अम्मा जो है ना आटा ले आई थी लेकिन इसको खिलाई नहीं है मैंने, है ना अम्मा? घर में नहीं आए। हाँ बताइए अम्मा। अच्छा अच्छा हाँ वो जुराबे वगैरह इसने गीली कर दी। हाँ अच्छा चलो अम्मा वाल वानी जल्दी वाली मेरा ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा काम जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। तो ऊपर अब यहाँ पे नीचे स्टूल रखोगे? नीचे स्टूल रखोगे फिर इसी दीवार को बार बार हमने किया कर लेते हैं। ओए है। घर में करने वाले हो ना इंसान फिर नहीं आलस होती, पैसे नहीं लगते घर में अगर बंदा खुद कर ले। बंदा खुद करे ना। हाँ वैसे अगर हम करवाते तो दिहाड़ी के 1000-1200 ले लेते। यही तो बवाल है ना, फिर अच्छा हूँ ना, फिर मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छी बात है, शुक्र है। मेरा मन तो सही कि हाँ भाई अहमद करता है काम। आज ना सूरज ने निकला तो तस्वीर भी इतनी ब्लैक आ रही, साफ नहीं आ रही। पता नहीं क्यों मैं इधर आके खड़ी होकर करती हूँ, देखती हूँ फिर। बस ठीक है गुजारा है। हो गया है फ्रंट। ये साइड हो गई है। तो कपड़े देखो बहुत सारे लगे हुए हैं। ये कह रहे हैं मोबाइल रखे ऊपर तो फिर मैं गिराऊं उनको। हाँ ये मोबाइल के इंतजार में बैठे हुए हैं। नहीं आप भी और वो भी दोनों मेरे मोबाइल के दुश्मन हो। हाँ मैं तो नहीं हूँ, खैर मुझे शौक ही नहीं है मोबाइल, पड़े भी होते तो दिल नहीं करता मैं उठा लूँ। चले आज आलस अहमद ने खत्म किया और कर दिया है काम। यार ये सर्दी बहुत ज्यादा है ना, अब देखे ना मैं ये देखे कपड़े भी खराब हो गए। अच्छा और पहले वैसे कौन सा बचाए हुए थे? ये सर्दी ना हो ना फिर बंदे का दिल करता है कि मैं जो है ना काम करूं। सर्दी है बंदा खुद दिल नहीं करता है, बंदा उठे और पानी में हाथ लगा देगा ना, पानी में हाथ लगाना होता है इसमें, सर्दी लगती है ना फिर। वो बेचारे भी तो हैं बेचारे जो ताजा मजदूरी वाले हैं, 500 दिहाड़ी के कमाते हैं। अल्लाह पाक हर इंसान को ठहरो एक मिनट में आसान रिस्क दे। अब दूसरी साइड जो है वो करना स्टार्ट कर दी है। उधर और हम भी दूसरी साइड पे ना बोल रहे हैं, कह रहे हैं क्या कर रहे हैं। वो तो खेल रहा है ना बच्चों के साथ। चलो मैं अंदर सब किचन की सफाई कर लूं फिर ये स्टूल रख देंगे। अभी जी मैं करने लगा हूं बहुत सारा काम। ये दीवार भी मुकम्मल हो चुकी है और ये भी पिलर मैंने किया है, अभी ये दीवार करने वाला हूं। तो इस व्लॉग का यहां पे हम कर देंगे जी एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा कीजिए ख्याल। और यहां पे भी जो है ना इधर इस अब हमारे जो काउंटर है ना इसके नीचे जो है वो गंद वगैरह पड़ा हुआ था, यहाँ पे सफाई की है समीना ने इसकी भी, इसको क्योंकि हमने हटाया था ना और बाहर ले गया था, इसके ऊपर मैंने चढ़ के पेंट किया था। अब इसकी नीचे से हो चुकी है सफाई दोबारा से जो है ना, इधर बर्तन वगैरह उस सुराख में ना खाने में रख रही है समीना। अभी हम इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। किधर गई आप? अल्लाह हाफिज़ जी। हाँ जी सफाइयाँ वगैरह तो हो ही रही हैं ना, जितना सफाई कर लो उतना ही कच्चा। हाँ अभी सेटिंग मुकम्मल हमारी नहीं हुई ना, गर्मियाँ आएंगी ना मौसम कुछ ठीक होगा ना फिर इंशाल्लाह हर चीज़ की सेटिंग करेंगे, क्योंकि हमारे पास सामान सारा आपको पता ओल्ड है, फिर वो भी कोई कहीं पे कहीं से करेक होता है, कहीं से कोई पेंट वगैरह, कहीं पे कोई टूटा फूटा, सारा हमारा सामान ऐसे ही है ना पुराना जो था, तो नया सामान होता है ना फिर पेंट वगैरह भी जगह हुई हुई होती है, फिर सबको अच्छा लगता है। पेंट वगैरह भी नहीं हुई और सामान वगैरह भी वही ओल्ड है, इस वजह से ना कुछ कुछ बैड बैड सा महसूस होता है। अल्लाह हाफिज़ चले इंशाल्लाह, अल्लाह पाक देगा तो फिर इंशाल्लाह जो है वो
ऐसा ऐसा टंकवाते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है हमने घर भी बनवाया था और आप सबने भी सपोर्ट किया था हमें, और फिर ऐसे ही बन गया। अल्लाह पाक ने कौन फरमाया और हो गया, इसी तरह अल्लाह पाक कौन फरमाएगा, पेंट वगैरह भी हो जाएगा इंशाल्लाह एक ना एक दिन। जो जो पाक अल्लाह पाक हमारे नसीब में लिखा होगा, जिस जैसे ही अल्लाह पाक वो हमें नसीब करेगा, उसके बाद फिर अल्लाह पाक के यहाँ भी जाना है। ये नहीं पता कि जो है ना बना के जाएंगे, पहले जाएंगे बाद में जाएंगे, ये पाक अल्लाह पाक को सब कुछ पता है। तो बस बातें हैं इंसान की, ख्वाहिश है इंसान की, ख्वाब है इंसान के। अल्लाह पाक हर इंसान के नेक ख्वाब नेक ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।